हम लोग आए हैं जी कावासाकी के सर्विस सेंटर के ऊपर और प्रॉब्लम कहां पर आ रही है जी, अपनी ब्रेकिंग के साथ में प्रॉब्लम आ रही है। अपनी जो ब्रेक है जी वो प्रॉपर तरीके से लग नहीं रही है। एग्जैक्टली क्या है जी, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो ABS है, जो उसका सिलेंडर है, जो उसके पैड्स हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, फिर भी ब्रेक नहीं लग रही है। तो हम लोगों ने रेक्टिफाई किया है उसको, वो एग्जैक्टली है क्या आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं ताकि ये भी हेल्पफुल हो सके आप सभी के लिए। तो मनोज भाई की बाइक है, एग्जैक्टली चलते हैं अंदर तो दिखाते हैं आपको। आओ चले। वो ये है जी कि जो ये अपने कैलिपर्स है ना, ये वाले, जब हम लोगों ने बाइक जो है अपनी वॉश करवाई तो ये हम लोगों ने क्या किया कि इस साइड पे सारी पॉलिशिंग करवा दी, मतलब जो स्प्रे वाली पॉलिश होती है वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करा दी। अब ये अप्लाई करने के बाद में ये जितने भी कैलिपर्स हैं, कैलिपर्स के अंदर वो जो है वो वैक्स टाइप जम गई, ऑयल से रहा। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि भाई साहब ये ब्रेक का इशू है, पर अदरवाइज़ ये ब्रेक का इशू नहीं है। अब ये देख सकते हो ये जो उंगली के ऊपर लगा हुआ है जी ब्लैक कलर का, ये बेसिकली जो ये ऑयल है। तो जब भी हम लोग ब्रेक अप्लाई कर रहे थे तो ये अप्लाई हो रहा था, ये ब्रेक लगने नहीं दे रहा था। तो वॉशिंग के बाद में भाई साहब आप क्या किया करो कि आप ये जो क्या कहते हैं उसको, जो पॉलिशिंग होती है ना, ये कैलिपर वाली साइड पे और ये अपनी डिस्क वाली साइड पे बिल्कुल नहीं लगानी। क्यों मनोज जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यही मेन प्रॉब्लम आ रही है अपने साथ में, यही आ रही है। जब मैं गाड़ी चला रहा था मैंने 2 बार ब्रेक लगाई, मैंने कहा यार ब्रेक में कोई शायद डिस्क पैड में कोई दिक्कत है, पर मैंने देखा ABS भी सही काम कर रहा है, टायर रुक भी रहा है, पर लेकिन वो स्लिप कर रहा था। बेसिकली जिमें अपनी बाइक रुककर लग गया, 10% बाइक नहीं, ब्रेक नहीं लग रही थी, वो स्लिप कर रही थी। तो यही प्रॉब्लम है जी। तो कभी भी आप लोग वॉशिंग करवाओ तो इसके ऊपर आपने पॉलिशिंग अप्लाई नहीं करवानी है, आप बाकी बॉडी के ऊपर पॉलिशिंग करवा लो पर यहाँ पर अप्लाई नहीं करानी है। तो ये अपडेट था कि हम लोगों को लगता है कि हमारी ब्रेक ख़राब हो गई है या हमारे शूज़ वगैरह जो ख़त्म हो गए हैं, तो पहले आप एक बार ये चेक करा लिया करो कि आपने की पॉलिशिंग तो नहीं कराई। तो एनीवेज चलो ठीक है, एक नए अपडेट के साथ में अभी हम लोगों ने आपको इसकी जानकारी दी जो हमारे साथ में हुई है, ताकि आप लोगों को भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये सॉर्ट आउट कर सको। चलो फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।